हेल, पागल हो गए तुम? दिस इज टोटल एंड अटर रबिश, इसे जाके डस्टबिन में फेंक दो। क्या रबिश है? समझाओ इसे प्रोजेक्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सी प्लीज यार, मैं बात कर लूंगा ना मारूर से। हाँ बताओ इसे, वरना हम सबको ना बाजमात ले डूबेगी। तुम बताओगे मुझे, जिसका अपना जीपीए मुझसे कमाया था लास्ट सेमेस्टर में? मानुष शुजा, रट्टे लगाने से ना जीपीए बहुत फिट आ जाता है, लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स फील्ड में काम करने से ही बेहतर होती हैं। और उस मामले में सॉरी टू से, तुम्हारा कैलिबर बिल्कुल जीरो है। मेरे कैलिबर को मेजर करने से पहले अपनी औकात तो नाप लो। व्हाट द हेल, कैंपस को भी अपने बाप की छीनी हुई प्रॉपर्टी समझ रखा है क्या? बाप पे मत जाना। बिल्कुल जाऊंगा बाप पे, बल्कि नारे भी लगाऊंगा। ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे शज्जी है। अपने फ्लॉप नारे अपने पास रखो। काम करना आता नहीं है, जीपीए पता नहीं कैसे आ रहा है तुम्हारा। तमीज सीखो मुझसे इस तरह से बात करने का। अरे कहां लेके जाऊंगा, कौन लेके जाते हैं, मैं भी देखता हूं। मैं भी प्रोफेसर अहमद को आप सब जाए बताए, रस्टिकेट कर रहा है इसे। तुम जाओ यहां से। होता नहीं है तुमसे, आ जाते हो। अच्छा अब तो बड़े कोई टॉपर हो ना तुम। Good. सर, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी ये लीजिए। सर ईदी दे रहे हैं? जी नहीं, छुट्टी दे रहा हूं। असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए? जी नहीं। आप लोगों को कॉलेज के रूल्स वायलेट करने पर एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। सर लेकिन मैं और गौर तो सिर्फ लड़ाई छुड़वा रहे थे। आप लोग इस हंगामे में शामिल तो थे? सर शामिल तो थे, मगर नो मगर नो मगर। मगर सर वो... अब आप लोग अपने चांद से मुखड़े एक हफ्ते के बाद ही दिखाएंगे। गेट आउट। सर मैं आपको समझाता हूँ। मैं बताऊँ आपको सर, चले